और एक और चीज इसके अंदर मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, इसके अंदर एक और चीज हमको ये है कि हर 17 मिनट के बाद ना सीजन चेंज हो जाता है, और सीजन जब चेंज होता है तो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं मतलब। और एक और चीज इसके अंदर एक सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगी है कि अगर जैसा अभी ये बनने के लिए 20 घंटे बता रहा है और मैं गेम अगर बंद करके भी चला जाऊं ना तो ये मतलब 20 घंटे तो भी काउंट करेगा, ये मतलब चालू रहेगा, टाइम रुकेगा नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कितनी भी देर के बाद में आऊं और फिर आके टाइम देखूं तो 20 घंटे ही लग रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का फार्म टुगेदर के हमारे पहले एपिसोड में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और इस गेम के बारे में अगर तुम लोगों को बताओ ना तो ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर मतलब ये कंप्लीट फार्मिंग गेम है, इसके अंदर ढेर सारी वैरायटी है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, मतलब कंप्लीट फार्मिंग गेम है। और उसके साथ में अगर इस साइड में देखोगे ना तो हमारे पास में कुछ फिश भी है जहाँ पर हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब फिश को पकड़ के उसको मार्केट में बेच सकते है। इस साइड में अगर सेक्शन देखोगे तो ये फ्रूट वाला सेक्शन है, और इसका एनिमेशन ना मतलब इस गेम के अंदर जो एनिमेशन है और सारी चीजें है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन है ना हर एक चीज का लेके वो सबसे ज्यादा मेरे को तगड़ा लगा। और अगर ये दीवारें देखोगे ना तो अभी हमारा इतना प्लॉट एरिया है मतलब इतना सेक्शन अभी हमारा है जितना स्क्वायर दिख रहा है ना जहां तक दीवारें दिख रही है, और अगर हमको उस साइड जाना है तो हमको उस साइड का फ्रंट वाला प्लॉट हमको खरीदना पड़ेगा, उतनी बड़ी जगह हमको खरीदनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके हम वो सारी चीजें खरीदेंगे। सबसे पहले अगर तुम लोगों को एक चीज बताऊं ना तो ये है हमारा सलाद, और उसके बाजू अगर देखोगे तो ये थोड़े से पोटैटो है, और इधर देखोगे तो ये कैरेट है, और इस साइड में भी थोड़ी बहुत कैरेट है, और इसके ऊपर जो ऑप्शन बता रहा है ना तो ये सारा का सारा पानी का ऑप्शन बता रहा है। अभी हम कैरेट के ऊपर खड़े है तो लेफ्ट साइड की स्क्रीन में देखोगे तो उसके ऊपर टाइम चल रहा है, मतलब 2 मिनट के अंदर ये कैरेट बन के रेडी हो जाएगा। और इस साइड में देखो मतलब जो भी वेजिटेबल है उसको सबका अलग अलग टाइम है, जैसे पोटैटो बनने के लिए टाइम लगता है तो 29 मिनट लगेगा पोटैटो को बनने के लिए, और इस साइड में देखोगे हमारे सलाद को बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सलाद हमारा ऑलरेडी वैसे बन के रेडी हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर बास्केट बन के आ रही है। और उसके साथ में ना सिर्फ इतने वेजिटेबल्स ही नहीं, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर है हमारा एग प्लांट, यहाँ पर भी मतलब इसको बनने के लिए ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, करीब करीब 1 दिन लगता है, और अगर देखो ना तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है। हमारी इस गेम का एक अच्छी बात है इसमें हमको सोने का टेंशन नहीं, हम दिन में भी काम कर सकते हैं, रात को भी काम कर सकते हैं। और ये देखोगे तो ये पानी का कुआं ही है, हर थोड़ी देर में अपने को $20 देता है, तो अभी के $20 तो हमने इसके अंदर से ले लिए। बटरफ्लाई वाह काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ना। और ये जो भी बड़े बड़े झाड़ लगे इसके ऊपर फ्रूट्स लगे तो हर थोड़ी देर में हम ये फ्रूट्स को भी तोड़ सकते है, और हर एक मतलब जो भी वेजिटेबल लगाओगे ना तो हमको उस वेजिटेबल को पानी देना होता है। तो पहले तो यहाँ का जो हमारा सलाद था ना वो सारा का सारा सलाद हम यहाँ से उठा लेते हैं। अभी हमारे पास में अगर राइट साइड में देखोगे तो तुमको दिखेगा अभी हमारे पास में $2,000 है, और वो जो के थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के जितने भी सारे के सारे वेजिटेबल है ना, ये सारे के सारे वेजिटेबल हमको अभी निकाल लें, और इधर जगह देखोगे तो ये सारी की सारी जगह ना एकदम प्लेन हो चुकी है। इसको हमको उसकी मतलब पहले खुदाई करना होती है, फिर उसके अंदर जो भी वेजिटेबल या फ्रूट उगाना है उसके बीज हमको लगाने होते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालना होता है, जब जाके कुछ टाइम के बाद में हमारा वेजिटेबल तैयार होता है। और जैसे कि इधर पानी का ऑप्शन आ रहा है और इसके ऊपर टाइम बता रहा है लेफ्ट साइड में देखो 35 मिनट्स, मगर जैसे ही मैं पानी इसके ऊपर डालूंगा तो 35 मिनट से सीधा 18 मिनट हो जाता है। मतलब जैसे ही टाइम पे हम अगर पानी डालते रहेंगे तो उसका टाइम ना मतलब जो उग रहा है वो उसका टाइम कम हो जाता है और स्पीड से वो बनता है। तो हम फटाफट से ना इधर के पहले तो इधर के सारे वेजिटेबल्स को ना उठा लेते हैं, और अगर राइट साइड में देखोगे तो ये हमारा आज का टास्क है, मतलब 10 पीनट चाहिए, 20 कैरेट चाहिए और 20 सलाद चाहिए। तो हमारे पास में 18 सलाद तो हो गए, तो इस वाली लाइन के अंदर ना हम सारे के सारे सलाद अभी लगा देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे तो ये है सलाद हमारा, इसको बनने के लिए ना 10 मिनट लगता है, तो पहले तो यहाँ की खुदाई करेंगे उसके बाद में ना हम इधर सलाद लगाते हैं। पहले एक काम करता हूँ मैं इस साइड के सेक्शन की ना पूरी खुदाई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम सारे के सारे बीज डाल के ना हमारे सलाद को उगाएंगे। इस साइड में चलो ये वाला तो हो गया, ये वाला मतलब ये गेम ऐसा है इसके अंदर इतना ज्यादा मतलब टाइम मिलता ही नहीं है कुछ और दूसरा करने के लिए इसके अंदर। यहाँ पर अभी हम काम करेंगे तो जब तक उतनी देर में दूसरा चीज बन के रेडी हो जाएगा। तो इधर ना मैं पानी डाल देता हूँ पूरे उसके ऊपर, तो ये अपना काम करते रहेंगे, फिर अपन चलेंगे। बाजू में भी हमको थोड़ा सा पानी डालना है। और इसके अंदर फार्मिंग में ना सिर्फ गाय ही नहीं या मुर्गियां ही नहीं या फिश ही नहीं,
इसके अंदर हनी बीज और मतलब इतने सारे जानवर है। इधर देखोगे ना तो इधर हमारी सारी की सारी मुर्गियां है। पहले ना मुर्गियों को खाना दे देते, मुर्गियों का खाना ना एकदम कम हो गया और मुर्गियां देख रहे हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये सारी की सारी ना मुर्गियां हर थोड़े टाइम के बाद ना अंडा देती है। और अगर हमको ये झाड़ पसंद नहीं आता तो हम इस वाले झाड़ को ना उठा के इस साइड में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले झाड़ के ना फ्रूट रेडी हो गए तो ये पहले तो मैं इधर के फ्रूट उठाता हूँ, उसके बाद ना ये वाले झाड़ को उठा के ना हम इस साइड में कॉर्नर में अगर हमको रखना है तो हम वो वाले झाड़ को उठा के यहाँ रख सकते हैं। मतलब हर एक चीज एकदम तरीके से और एकदम साफ सुथरे तरीके से हम ना इधर कर सकते हैं। और अभी तो हो चुकी है एकदम बढ़िया सी सुबह। और एक और चीज इसके अंदर मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, इसके अंदर एक और चीज हमको ये है कि हर 17 मिनट के बाद ना सीजन चेंज हो जाता है। और सीजन जब चेंज होता है तो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। मतलब जैसा अभी हम जैसा ये सलाद उगा रहे हैं मगर अगला सीजन हमको पता नहीं किसका होगा, तो वो अगले सीजन के अंदर ना हम इसके ऊपर मतलब सलाद नहीं उगा सकते। तो ऐसे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। वैसे पीनट चाहिए थे 10 ना, तो ये पीनट तो हमारे बन के रेडी हो गए, तो पहले पीनट उठा लेते हैं। एक टास्क जो है हमारा, वैसे आधे में पीनट थी, सॉरी इस साइड में पीनट थी, हमको पीनट अभी और उगानी पड़ेगी, पीनट हमारे पास में ज्यादा है नहीं। तो इधर ना पहले एक साइड की पीनट कंप्लीट करते हैं, उठा लेते हैं और हमारा लेवल अप हो चुका है। हमारे पास में अभी 10 डायमंड्स है। और साथ में एक काम करता हूँ मैं, पहले तो पोटैटो को पानी दे देता हूँ। 24 मिनट बता रहा है, अब 12 मिनट हो गया, देख सकते हो पानी डालते के साथ ना मतलब 24 मिनट से 12 मिनट हो गया है, तो 11 मिनट, 30 मिनट से 15 मिनट हो गया, सीधा हाफ टाइम कम हो चुका है। मतलब जो चीज बनने के लिए आधा घंटा लग रहा था ना, तो बनने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट लग रहे। इस साइड के भी ना सारे के सारे कैरेट उठा लेते हैं। अभी ये वाले सीजन के अंदर अगर देखे ना, तो इस वाले सीजन के अंदर अभी हम पीनट लगा सकते हैं, सलाद लगा सकते हैं, मगर अभी हम गाजर नहीं लगा सकते। तो जब अगला सीजन आएगा ठीक 17 मिनट के बाद में, तो फिर हम उसके बाद में ना गाजर लगा सकते हैं। मतलब हर 17 मिनट में सीजन चेंज हो जाता है। तो इधर के सारे ना हमने कैरेट निकाल दिए, इधर से भी हमारा लेवल अप हो चुका है। पोटैटो बनने के लिए ना अगर इधर देखो तो अभी 15 मिनट है और इस साइड में भी पानी का ऑप्शन आ रहा है। उसके साथ में एक और चीज तुम लोगों को बताऊं तो हम क्या क्या चीज मतलब उगा सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ से लाइन से देखना। अभी तो ये हमारा वेजिटेबल सेक्शन है और ये पूरे के पूरे जब हमारा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ जाएगा, जैसे कि ये जो है एक्सपीरियंस लेवल जब 3 हो जाएगा जब उसके बाद में बढ़ेगा। और नीचे साइड में देखोगे ना तो मतलब कितने सारे वेजिटेबल्स अभी है जो कि हर एक लेवल के बाद में खुलेंगे। ये देख सकते हो 60 लेवल जब हमारी होगी, अभी तो हमारा लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, जब 60-70 लेवल होगी तो ये वाली चीज खुलेगी, तो सिर्फ वेजिटेबल के अंदर है। और उसके साथ में अगर ये देखोगे तो ये सारे सारे ना इसके अंदर फ्रूट्स है, ये पूरा सेक्शन फ्रूट्स का है। मतलब इतने फ्रूट्स हमको लगाने, तो धीरे धीरे करके लगाएंगे, जैसे एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा तो हम सारी चीजें लगाएंगे। ये जानवर के अंदर देखोगे तो कितने टाइप की मुर्गी है, कितने अलग अलग टाइप के खरगोश है, और फिर पिग्स है, गाय है, बकरी है, मतलब गधे है, हर एक चीज हमारे पास में रहेगी और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कर सकते हैं। और इधर फिश के अंदर देखोगे तो फिश के अंदर भी हमको काफी ज्यादा वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी और इसके अंदर ना शाक भी हम पाल सकते हैं। और इधर देखोगे तो ये सारे के सारे फूल है डेकोरेशन के लिए और हनी बीज के लिए। मतलब ये सारे के सारे मतलब खूब सारी वैरायटी हमको फूल की भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जैसा इसके अंदर हार्डवेयर स्टोर वगैरह और ये सारी चीजें, गैस स्टेशन, ट्रैक्टर और छोटे मोटे कैसल, ये सारी चीजें जो हमको लगने वाली है सारी सारी है। और इस साइड में देखोगे तो ये टॉयलेट बना है और ये है घासों का ढेर और ये है बैरल्स। मतलब ये सारी चीजें अभी क्या काम में आएगी ये तो हमको पता नहीं, मगर थोड़े टाइम के बाद में ना हम सीख जाएंगे। और इसके अंदर ना तरह तरह की फेंसेज है, गेट्स है, फिर हम रोड का काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से रोड बना सकते हैं, ट्रेन की ट्रैक्स बना सकते हैं। और ये वो सारी चीजें, मतलब अगर हमारी घास वगैरह गलती से टूट जाए तो हम उसको वापस से रिपेयर कर सकते हैं। चलो वो सारी चीजें तो कर लोगी, इससे तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हमको मतलब कितनी सारी चीजें इसके अंदर अभी हम उगा सकते हैं। तो अभी ना सबसे पहले एक चीज ये करता हूं मैं, यहां पर ना पहले तो पीनट्स लगा देते बनाने के लिए। पीनट्स हमको काफी ज्यादा चाहिए, तो अभी हमको ना जमीन पहले तो पूरी की पूरी खोदनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसके अंदर सीड्स रख सकते हैं। तो इतना सेक्शन तो मेरे हिसाब से काफी है, इसके अंदर ना हम सारी की सारी सीड्स लगा देंगे एक लाइन के अंदर, तो ये अपना काम करते रहेगी, ये उगते रहेगी। इसके अंदर ना पहले सीड्स लगाता हूं, उसके बाद में फिर पानी दूंगा। तो ये सारी की सारी सीड्स लग गई। इसका ना जो साउंड है और जो ग्राफिक्स है, जो एनिमेशन है, हर एक चीज इतनी ज्यादा बढ़िया है। और सबसे मेन बात, ये गेम है
मल्टीप्लेयर, इसमें मल्टीप्लेयर भी कितने भी सारे लोग खेल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इतने इसके अंदर इतनी सारी चीजें हम करेंगे ना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में। तो मेरे को तो सबसे ज्यादा इस गेम के ना एनिमेशंस और ग्राफिक्स ये सारी चीजें पसंद आई, मतलब इतना कुछ भी काम करने के लिए ना इतना काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे उस साइड में हमने पानी नहीं दिए थे क्या? ओ, पानी देने के बाद में भी और पानी लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो हमने पहले पानी दिया वो पानी जमीन ने पूरा का पूरा पी ली। अभी हमारी लेवल 2 हो चुकी है, 2 पहले फर्स्ट लेवल थी, अब सेकंड लेवल हमारी हो चुकी है। और आज ना काफी ज्यादा धूप भी है, उसके साथ में ना मैं इधर पहले तो जो हमारा दिन का $20 हमको मिलता है ना वो उठा लेता हूँ। चलो $20 ये आ गया। अभी हमारे पास में $3,000 हो चुके, $2,000 पे हम आए थे, अब हमारे पास में $3,000 हो चुके। अभी तो पहले तो फिश पकड़ते हैं यहाँ से। यस, फिश के हमको $122 मिले। अब सिर्फ आधा घंटा लगेगा, हम आधे घंटे के बाद में ना फिर वापस से फिश को पकड़ सकते हैं। वैसे इसके अंदर अगर पानी देखोगे ना तो लेफ्ट साइड में तो कितनी देर के अंदर ये बन जाएगा दिख के आ रहा है, 5 घंटा 10 मिनट में। और उसके राइट में एक पानी का ड्रॉप दिखेगा तुमको, तो वो ड्रॉप के अंदर समझ में आ जाता है मतलब ये वेजिटेबल को पानी देने के लिए और कितनी देर है। तो अभी ये हाफ तो हो गया, अब मैं क्या करता हूँ इसको पानी दे के ना फुल कर देता हूँ तो समझ में आएगा। अब सीधा 2 घंटे 54 मिनट्स इसको जैसा 6 घंटे चाहिए थे, अब 4 घंटे में ये बन जाएगा। इसलिए इनको पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी देने से ना ये सारी की सारी चीजें ना स्पीड में बढ़ती है। और इधर देखोगे तो हमारे आलू को भी पानी देना पड़ेगा, आलू भी हमारे बस थोड़ी देर के अंदर ही तैयार हो गया। अभी और 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के बाद हमारे आलू बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो पूरे के पूरे आलू को हमने पानी दे दिया। वैसे इस साइड में भी हमको वापस से पानी देना पड़ेगा पीनट्स को। इसका साउंड कितना ज्यादा, मतलब जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ऊपर से हम पानी वगैरह वो सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो उसका साउंड भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये जो हमारे डेकोरेशन की चीज है, सारे के सारे फूल को भी हम पानी दे देते एक बार। और ये हमारा ना सलाद रेडी हो गए। और सलाद को उठाने से पहले ना इधर मैं एक काम करता हूँ, इस साइड में पीनट्स और लगा देता हूँ। पहले तो इधर जमीन खोद दी और पीनट्स लगा दिया। अभी एक साथ में ना हम जमीन भी तोड़ेंगे, मतलब जमीन भी खोदेंगे और पीनट्स को भी लगा देंगे। एक बार में जमीन तोड़ी, एक बार में पीनट लगाए। और ये जो -$10 और ये सारी चीजें आ रही है ना, मतलब $40 के हमको सीड्स पड़े और $10 हमको खोदने के लगे है। तो ये पूरी कॉस्टिंग ना हमको सामने दिख के आ जाती है, मतलब टोटल ना हमारे पीनट $50 में रेडी हो रहे हैं। मगर $50 में रेडी तो हो रहे हैं, बेचने के बाद हमको ना इसका प्राइस देखना पड़ेगा। उसके साथ में ना ये एक और ना सलाद मैं इधर लगा देता हूँ, वो ज्यादा रहेगा। मतलब ये सलाद स्पीड में बन रहा है और जल्दी जल्दी बिक रहा है, इसका प्राइस हमको कम पड़ रहा है। $10 में खुदाई हो रही है, $15 में ये लग रहा है, मगर ये स्पीड में तैयार होता है, इसको ज्यादा बनाने के लिए ना ज्यादा टाइम लगता नहीं है। चलो ये हो गया, अब बारी बारी सबको पानी देते और लेफ्ट वाले जो हमारा सलाद रेडी हुआ है ना वो फटाफट से वो भी चालू करते हैं। और वैसे ना शाम हो चुकी है, अब रात होने वाली है, शायद से अब कौन सा सीजन आएगा पता नहीं। चलो इधर का हो गया, अब इधर से ना पूरा का पूरा उठाते $29 और कुछ तो प्राइस था इसका। देखो $29 मतलब $30 करीब करीब इसका प्राइस है। और हमारे पास में ना मतलब हमारा सलाद का जो टारगेट था वो कम्प्लीट हो गया है, सलाद हमारे पास में एकदम ज्यादा फुल हो गया। तो ये वाले 2 सलाद को रहने देते, स्टॉक रखने के भी ना हमको एक छोटा सा बान हाउस बनाना पड़ेगा, तो जो हमारा सामान रखने की जो हमारी कैपेसिटी है ना वो कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले बान हाउस मगर अभी हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस लेवल नहीं है। तो हम अभी बेसिक लेवल से चालू करें, आने वाले एपिसोड्स के अंदर ना हम धीरे धीरे करके अपग्रेड करेंगे। चलो इसका तो पानी देने का काम हो गया, अब इस साइड में पानी दे देते। वैसे गर्मियों में गाजर नहीं उगती क्या? अभी गर्मी का सीजन था, मतलब ये वाला जो सीजन था गर्मी का था, काफी ज्यादा धूप थी, मगर गर्मी के अंदर गाजर हमारी चली गई, गाजर हम उगा नहीं सकते। चलो सारे के सारे ना पीनट्स को हमने पानी दे दिया है। एक चीज तो ये अच्छी है कि इसके अंदर ना हमको मतलब पानी अनलिमिटेड है, और कुछ टाइम के बाद ना जब लेवल हमारी अपग्रेड होगी ना तो हम इधर ऑटोमेटिक पानी का फीडर वीडर वो सारी चीजें भी लगा सकते हैं। मतलब फीडर बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक पानी का सप्लाई भी हम इसको कर सकते हैं कि एक बटन चालू करेंगे और जितने भी हमने फल लगाए और जितने भी वेजिटेबल लगाए ना वो सारे के सारों को पानी खुद ब खुद चला जाएगा। और इस साइड में देखो तो हमारी मुर्गियों ने अंडा दे दिया है। ओहो, अंडे भी देख रहे हो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। चलो ये अंडा भी हम ना उठा लेते, अरे आराम से अंडे टूट ना जाए कहीं। $80 हमको अंडे के मिले, मतलब जितना हमने वेजिटेबल के अंदर पैसा लगाया ना उतना हमको रिटर्न अंडे के थ्रू मिल गया। और वेजिटेबल का प्राइस अभी भी बाकी है, थोड़े टाइम के अंदर ना हम और मुर्गी भी बढ़ा लेंगे और मुर्गियों का सेक्शन ना अलग कर देंगे। मतलब जब ये बाजू वाला प्लॉट खरीदेंगे या फिर किधर का भी एक प्लॉट खरीदेंगे ना, वैसे ये
जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड हैं ये सारे के सारे प्लॉट्स सेम साइज के है, तो जानवरों का सेक्शन तो हम एक अलग कर ही देंगे थोड़े टाइम के बाद, उसको तो अभी करने के लिए काफी ज्यादा टाइम है। और एप्पल लैब हमको 3 मिनट के बाद ही मिलना है। इसको वैसे हम पानी नहीं दे सकते अभी ना, रात काफी ज्यादा हो गई है। तो पीनट्स को तो वापस से मैंने पानी दे दिया, इनका पानी देने का वापस से टाइम आ गया। और हमारे आलू ना बन के रेडी हो चुके, तो हम फटाफट से ना अभी आलू को भी निकाल लेते। और मैं अभी ये सब जितने भी हमने सलाद लगाए ना, इनको निकालने नहीं वाला, ये सलाद को ऐसे ही रहने देता हूँ, ताकि जब हमारी कैपेसिटी मतलब स्टोरेज हमारा बढ़ जाएगा तो उसके बाद भी हम ये सारी चीजें उठाएंगे। तो अभी हमारी अगर स्टोरेज कैपेसिटी अगर चेक करोगे तो वेजिटेबल हम 20 रख सकते हैं सिर्फ, जो कि फुल हो गया। फ्रूट्स हम 20 रख सकते हैं, गेहूं हम 20 रख सकते हैं, ग्रेप्स हम 20 रख सकते हैं, मशरूम हम 20 रख सकते हैं, नट्स, मिल्क, एग, मछली, फिश, फैब्रिक क्या है पता नहीं, शायद से हाँ फैब्रिक वाले झाड़ मैंने देखा था, फ्लावर्स और ये सारे मसाले, जैम, हनी, चीज, गोल्ड नगेट्स क्या है पता नहीं, ये तो थोड़े टाइम के बाद में पता चलेगा। और वैसे मैंने ना अपने फार्म का नाम रखा हूँ फ्लिक्स फार्म। कैसा लगा नाम मेरे को कमेंट करके बताना, अगर दूसरा नाम तुम लोगों के दिमाग में कुछ है तो वो भी कमेंट करके बताना। अपन नाम चेंज करके फ्लिक्स फार्म से जो भी तुम लोग नाम बताओगे एकदम बढ़िया वाला वो नाम हम रख लेंगे। तो बस स्टार्टिंग में ना हमको थोड़ी मेहनत करनी है इसके ऊपर, पानी वगैरह और सारी चीजें डालने के लिए, मगर जैसे ही टाइम थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। वैसे इधर देखोगे ना तो ये लींबू का झाड़ है, यहाँ से भी ना हम ना सारे के सारे लींबू तोड़ सकते हैं और वो भी बिकते। लींबू है या आम है मेरे समझ नहीं आ रहा, मगर दिखने में तो मेरे को नींबू लग रहा है। ये वाला भी वही झाड़ लग रहा है। ये सबके ना झाड़ के सेक्शन बना देंगे, मतलब एक लाइन जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल की रहेगी, दूसरी लाइन किसी और चीज की रहेगी। अभी हम अपना घर नहीं बना सकते क्योंकि जब घर बनाएंगे तभी हम सो सकते हैं, जब इधर पूरा हम एक अपना खुद का घर बना लेंगे, जब उसके अंदर बेड रखेंगे जब हम सो सकते हैं। अभी तो हम फिलहाल के लिए तो सो नहीं सकते क्योंकि घर बना नहीं सकते, घर बनाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा और एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके जब हमको आ जाएगा तो उसके बाद में फिर हम अपना बेड बनाएंगे और उसके ऊपर आराम से जाके सो जाएंगे। अभी तो हमको मेहनत ही करनी है। वैसे हमारा आलू बन के रेडी हो गया है, चलो आलू भी हमारे पास में फुल हो गया क्या, एक सेकंड, $110 मेरे को मिल रहा है इसका। वेजिटेबल यार फुल है मेरे पास में और मैं इसको उठा भी नहीं सकता, मगर थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा और इस साइड में ना मैं कई और जगह बनाता हूँ जहाँ पर मैं दूसरी फार्मिंग करूँ और ये सबको ऐसे ही रहने दूँ, वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और वैसे सुबह हो चुकी है, नया सीजन आ चुका है, साउंड भी देख सकते हो, साउंड काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब कल जो हमारा साउंड था वो कुछ अलग था, मतलब बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा था, आज ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जो आज का मौसम है ना वो पूरी हवा वाला है। कल एकदम धूप थी दिन में और आज ना एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे हम कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं। और इस साइड में देखोगे ना हमारे ग्रेप्स को पानी देना, और मैं उधर ना वेजिटेबल में इतना ज्यादा बिजी था क्या भूल गया था। और इधर देखो ना तो लेफ्ट साइड में 56 मिनट लग रहे हैं इसको तैयार होने के लिए, मगर जैसे ही हम पानी डालेंगे तो 56 से घट के 28 मिनट हो जाएगा, क्योंकि काफी बढ़िया बात है। चलो इसको भी हमने पानी दे दिया, ये भी रेडी हो गया, इधर से हमारे फ्रूट्स भी रेडी हो गए। ये एप्पल को तोड़ लेते हैं, वैसे एप्पल ही है या पता नहीं, एप्पल तो दिख रहा है। और हर एक चीज का कलर और मतलब ग्राफिक्स वो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और वैसे इधर के भी हमारे सारे के सारे फ्रूट्स रेडी हो चुके हैं। और इसके अंदर कैपेसिटी देखो तो 6 फ्रूट हमारे पास में है। इधर के सारे फ्रूट ना हम तोड़ लेते हैं। मेरे को तो मैंगो लग रहा है ये, मगर लींबू है या जो भी हो, और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ और मैं ही लेफ्ट में चेक करना भूल गया, ये लेमन ही था, नींबू ही था। और पीनट को बनने के लिए ना मतलब अभी हमारे पास पीनट रेडी होने में ही है, सिर्फ 4 मिनट और लगेगा और हमारे सारे के सारे पीनट्स ना रेडी हो जाएंगे। वैसे पीनट बनाने के लिए टाइम लगता है मगर उसका ना प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़िया होता है। चलो ये सारों को हमने पानी दे दिया, इधर के भी आलू हमारे रेडी हो गए और स्टॉक फुल था और मैंने गलती से भूल गया और मैंने आलू को निकाल लिया। खैर उसके ऐसे तो हमको मिल रहे हैं मगर ये आलू वेस्ट हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। और ये अगर देखोगे ना तो ये हमारा बस स्टॉप है, अगर कोई भी अगर आएगा, तुम में से भी अगर कोई आएगा तो वो जब मेरे फार्म के ऊपर आएंगे तो वो इस साइड में उतरेंगे। और ये एक छोटा सा ना रोड बनाया, अभी रोड का काम भी करना है, थोड़े टाइम के बाद ना रोड का काम भी हम करेंगे। और एक चीज मेन बात तो हम भूल ही गए कि आज अगला सीजन लग गया है, तब हम गाजर उगा सकते हैं फाइनली। तो गाजर के लिए ना मैं गाजर इस साइड में उगाता
बताता हूँ, ये वाली जगह ना एकदम बढ़िया लग रही है। तो पहले तो पूरी जमीन को खोदते हैं और फिर उसके बाद में फिर हम कैरेट इसके अंदर उगाएंगे। तुम लोगों को ये गेम कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ये गेम ना शायद से एंड्रॉइड के अंदर भी है या फिर शायद एंड्रॉइड के अंदर आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस जब देख रहा था तो जब मेरे को कुछ दूसरे वीडियोस के अंदर पता चला। तुम लोगों को पता है या नहीं मेरे को कमेंट करके बताना कि ये एंड्रॉइड के अंदर अवेलेबल है ये गेम या एंड्रॉइड के अंदर अभी आने वाला है। वैसे शायद से ना अब हम फिश को पकड़ सकते हैं। एक बार इधर देख लेता हूँ मैं फिश को। नहीं, फिश को पकड़ने के लिए थोड़ी सी देर ना और लग जाएगी हमको। तो हम एक काम करते जब तक, जो हमारे एप्पल वाले झाड़ थे ना, शायद से ये वाले एप्पल के झाड़ थे, यस ये वाले एप्पल के झाड़ थे ना, तो ये वाले एप्पल के झाड़ को हम ना इस साइड से लगाते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये सारे एप्पल के झाड़ ना इधर से एक लाइन में लगाएंगे। इसके ऊपर तो एप्पल उग गया है ना, और ये गलती से मैंने जमीन तोड़ दी। खैर हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से इधर घास लगा सकते हैं। अब ये वाले एप्पल के झाड़ को भी ना उठा के इसके बाजू लेके चलते हैं। एक लाइन में ये ज्यादा बढ़िया लगेगा हमको, घूम घूम के ना इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों एप्पल के झाड़ यहाँ बाजू बाजू आ गए, और बाकी का शायद से ये दो झाड़ भी एप्पल के मेरे को लग रहे हैं। यस ये वाले भी एप्पल के झाड़ है, क्योंकि उसका जो डिजाइन है ना वो सेम एप्पल जैसा ही है। क्योंकि लेमन वाले जो झाड़ है ना, वो लेमन वाले झाड़ काफी ज्यादा अलग है। उसके मतलब पत्ते अगर तुम देखोगे तो उसके पत्ते कुछ इस तरह के और बड़े बड़े पत्ते हैं। अब ये बस मैं कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे रखूंगा, बाद में हर एक चीज का ना एक प्राइवेट मतलब सेक्शन बनाऊंगा, हर एक चीज का प्राइवेट फार्म बनाऊंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कितना ज्यादा मजा आएगा ना इसके अंदर जब हम हर एक चीज ही कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब फिर वो झाड़ रहो, जमीन रहो, या किसी भी चीज या कोई भी चीज रहने दो, हम इसके अंदर हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज ये होगी, हम अपने फार्म का डिजाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे अपने दिमाग के अंदर आइडिया चल रहा है, हम उस हिसाब से अपने फार्म को रख सकते हैं, और वो दिखने में फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो निकलेगा वो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये सारे एप्पल के झाड़ हमने इधर लगा दिए। वैसे ये वाला भी तो एप्पल का झाड़ है, हम इसको भूल ही गए। वैसे मेरे को ये झाड़ ना सारे के सारे इसकी लाइन के अंदर लगाना चाहिए था, मगर खैर कोई बात नहीं, जैसे भी है अच्छे लग रहे। और आज सुबह का $20 तो हम भूल गए। और इस साइड में हमने गाजर लगाई थी, उसको पानी, मैं वही तो सोचू इसको पानी देने का ऑप्शन अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं। और पीनट्स को भी हमको पानी देने का ऑप्शन आ गया है, तो सबको पानी हमने दे दिया है, और ये हमारे पीनट्स बनके रेडी हो गए। मैं काम करता हूँ, थोड़ा बहुत नुकसान होगा चलेगा, मगर पीनट्स का तो हमारा नुकसान नहीं होगा। वैसे ये पीनट्स तो हम सारे के सारे अभी बिक रहे हैं, हमारे 10 पीनट चाहिए तो 10 पीनट हमने लगा दिए, 12 कैरेट चाहिए थे तो 12 कैरेट ना हम इस साइड में लगा देते हैं, 12 कैरेट भी, तो हमारा इधर का टारगेट तो कम्प्लीट हो जाएगा। यस सारे के सारे पीनट ना हमने लगा दिए। तो पहले इधर की पूरी जमीन तोड़ते हैं, उसके बाद इधर साइड से भी ना कैरेट लगा देते हैं, तो कैरेट का हमारा जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे पैसे ना हमारे अच्छे खासे स्पीड से बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हमको टास्क आ रहे हम वो पूरे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे पैसे ना अच्छे खासे स्पीड से बढ़ रहे हैं। चलो तो इधर कैरेट लगा दिया, इधर कैरेट लगा दिया, यहाँ के पोटैटो रेडी हो गए, और अभी पीनट लॉक हो चुका है, सिर्फ हम सलाद बना सकते हैं। तो जब तक क्यों ना हम सलाद ही इस साइड में लगा दे, सलाद बन के रेडी तो होता रहेगा जब तक, जब हमारे पास स्टोरेज हमारा कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो उसके बाद में हम सारे के सारे सलाद उठा के रख लेंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। और बान हाउस का ना सेक्शन हमको अलग ही बनाना पड़ेगा, वहां पर पूरे पूरे बान हाउस ही हमको रखने हैं, जहां पर पूरा का पूरा ना हमारा स्टोरेज आए। और थोड़े टाइम के बाद तो फिर हम एक ट्रैक्टर और जितने भी सारी मशीनरी है ना वो सारी की सारी खरीद लेंगे, जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा, उसके बाद में हम फिर सारी की सारी चीजें बारी बारी करके खरीद लेंगे। तो फिर हमको ये ऐसे घूम घूम के पानी देने की जरूरत नहीं, वैसे ऐसे घूम के पानी देने में भी ना काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और 10 सेकंड में ये सारे के सारे पीनट रेडी हो जाएंगे, तो ये पीनट को भी हम निकालते हैं। बस इस साइड में ना एक लास्ट वाला एप्पल का झाड़ बचा है, तो वो झाड़ को भी ना उठा के हम उसके परिवार वालों के पास ना लेके जाके रख देते हैं। इसका जो हर एक चीज का साउंड आ रहा है ना, और जो एनिमेशन आ रहा है वो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो यहाँ पर पूरे लाइन से एप्पल आ गए, बस इसके ऊपर तो फ्रूट लगाए तो निकाल ही लेते हैं एप्पल। चलो इधर से एप्पल निकाल दिया, इधर के एप्पल निकाल दिया, यहाँ के एप्पल तो काफी ज्यादा छोटे छोटे है, ये अभी बड़े होने के लिए तो इसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। शायद से अभी फिश फार्म हम कर सकते हैं या नहीं, चलो अभी भी नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। और हमारे अंगूरों को पानी दे देते हैं,
17 मिनट लगेगा वैसे ये फ्रूट बनने के लिए, ना कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव बिकते हैं ना, इसीलिए ये सारे के सारे फ्रूट बनने के लिए ना काफी ज्यादा टाइम लगता है। और जब हमारे पास में बड़े बड़े बाग होंगे फल के और वेजिटेबल के, तो इसको कितना भी ज्यादा टाइम लगने तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक साइड का जब कंप्लीट होगा जब तक दूसरे साइड का ना बन के रेडी हो जाएगा। चलो ये हमारे दिन के $20, उसके साथ में ना इधर जाके मुर्गियों का हमारा खाना खत्म हो गया, तो इधर सारी की सारी मुर्गियों को ना खाना दे देते हैं। हमारी मुर्गियां ना मतलब $80 में ये लोगों का खाना फुल होता है, हर दिन ना $80 लगते हैं ये लोग को खाना देने के लिए, मगर इनकी एक अंडे की बैच से $80 का प्रॉफिट होता है। सोचो तो इसके अंदर चार बैच निकलते, ये चार बैच इसके अंदर निकलते और उसके अंदर ना हमको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, एकदम बढ़िया वाला। और एक और चीज मेरे को अच्छी ये लगी, इनका सेक्शन जितना है ना ये सारी की सारी मुर्गियां ना उतने सेक्शन के अंदर ही है, बाकी दूसरी जगह ना घूम नहीं रही, कुछ और कर नहीं रही, वरना हमारे रेंज के अंदर तो खाली गलती से एक बार गेट खुला छोड़ दो तुम्हारे पूरे के पूरे जानवर भाग जाएंगे। वैसे हमारे पीनट ना रेडी हो चुके हैं, तो पीनट को भी उठाते। वैसे हमारे पास में लेमन के कितने ज्यादा झाड़ है हमको उसका आइडिया नहीं है, अगर गिने हम तो ये वाला लेमन का झाड़ है 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 लेमन के झाड़ है हमारे पास में। और ये जो हमारी एंट्री है ना, एंट्री पे से ही मैं सारे के सारे झाड़ हटा दे रहा हूँ। और रात हो चुकी है, कॉकरोच का साउंड आना चालू हो गया। वैसे कॉकरोच का साउंड है ये किस चीज का साउंड है पता नहीं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। गेम के अंदर रियल लाइफ में काफी ज्यादा चुपती है आवाज इसकी। वैसे हमारे पास में ना लेमन के काफी ज्यादा कम झाड़ थे, सिर्फ हमारे पास में झाड़ जो ज्यादा थे वो एप्पल के थे। वैसे इधर से झाड़ लगाने के बाद हमारा बस स्टैंड कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। खैर अभी ये तो फिलहाल का सेटअप है, वैसे ये एप्पल का झाड़ है ना इसको इधर ही लगा देता हूँ। तो हमारे पास में एप्पल के झाड़ अगर काउंट करे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एप्पल के झाड़ है, और लेमन के अगर देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेमन के झाड़ है। काफी ठीक ठीक है लेमन के झाड़ भी, उससे खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर देखो ना तो हमारा पीनट बन के रेडी हो चुका है, तो पीनट को भी ना फटाफट से निकालते, ये निकालता बड़ी बढ़िया तरीके से एकदम। और इसको ना पानी देना हम भूल ही गए थे, हमारा गाजर ना मतलब 20 गाजर हमको करने, और ये 20 गाजर होने के लिए ना जो हमारा आज का टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए 20 गाजर चाहिए, और ये जब बैच कंप्लीट होगी तो हमारा आज का टास्क कंप्लीट होगा। $62 हमको इसके मिल रहे हैं, प्लस कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, $62 भी मिल रहे हैं, और एक और कुछ और चीज का पॉइंट मिल रहा है, मगर पता नहीं वो क्या चीज का पॉइंट है। तो 20 कैरेट चाहिए थे, हमारे पास में 14 हो चुके हैं, ये 15, 16, 17 और ये रहा 18, मतलब सिर्फ 2 कैरेट और चाहिए और फिर हमारा ऑर्डर कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे 10 मिनट चाहिए थे 10 मिनट हमने कर लिए, 20 कैरेट चाहिए थे तो 18 हो गए, हमारे पास में 7 मिनट बता रहा है ये, मगर और जल्दी ना ये तैयार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी दे देता हूँ तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कम हो जाएगा, और फिर हम इसको भेज देंगे। और हो चुकी है एकदम प्यारी सी सुबह, सूरज निकल चुका है, मतलब चांद डूबने वाला है और सूरज अभी निकल चुका है। और अब अगर चेक करें तो अब किस चीज का सीजन आया है, अब इस सीजन के अंदर ना हम पीनट्स भी लगा सकते हैं, सलाद भी लगा सकते हैं और गाजर भी लगा सकते हैं, तीनों जो हमारे पास में आइटम है ना हम तीनों के तीनों लगा सकते। तो मैं ना इस साइड में गाजर लगी हुई है ना, तो इस साइड में इस गाजर को ही रखता हूँ, पीनट को हम लेफ्ट साइड से रखेंगे पोटैटो के बाजू में। तो लेवल अप हो चुका है हमारा वापस से, अब यहाँ पर तो पूरी की पूरी गाजर लग गई है, चलो इसको भी पानी दे देते हैं। और यहाँ एप्पल देखो ना, तो हर एक झाड़ के ऊपर प्रॉपर एप्पल लग गया है, मगर एप्पल लगने से पहले जो हमारी दिन की कमाई है पहले वो बटोरते हैं। ये रही हमारी दिन की कमाई, और मैं एक बार ट्राई करता हूँ हमारे पैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं, शायद से मेरे को लग रहा है ना ये सामान उठाने के बाद ना हमारे पैसे बढ़ेंगे, और पैसे बढ़ रहे हैं, मगर जो हमारा वेजिटेबल है ना वो स्टॉक नहीं हो पा रहा, उसका नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे बढ़ रहे हैं। खैर जो भी है, फिलहाल में पैसे बढ़ रहे तो पैसे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हमको एक स्टोर रूम बनाना होता है जहाँ पर हमारे सारे के सारे वेजिटेबल का ना स्टॉक फुल होता है। और हमारा एक और लेवल अप हो चुका है, और इधर से पोटैटो को भी ना मैं उठा ही देता हूँ, यहाँ से ना इसको हटा के ना इतनी जगह इधर की क्लियर कर ही देते। और ये हमारा फ्रूट एग प्लांट को ना 2 घंटे अभी भी है बनने के लिए, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, इसको पानी दे देता हूँ थोड़ा सा, तो आधा आधा एक एक घंटे की ड्यूरेशन इसकी ना कम हो गई है। और इस साइड में अगर देखो तो अभी हमने कुछ भी उगाने के लिए इधर रखा नहीं है, सारा का सारा सामान खत्म हो चुका है। तो इस साइड में हम ना पहले तो सारी जगह को ना तोड़ देते हैं, मतलब सीड्स उसके अंदर दान लेके नहीं ना हम जगह बना लेंगे, और हर एक वेजिटेबल का ना सेक्शन बना के रखेंगे। और हम $2000 पे यहाँ पर आए थे, और अभी हमारे पास में करीब करीब $7000 हो चुके हैं, मतलब कुछ थोड़े से और डॉलर
डालेंगे ना तो हमारे पास में $7,000 हो जाएंगे। चलो तो ये सारी की सारी जमीन को हमने तोड़ दिया है, बस जल्दी से हमारी लेवल अप हो जाए और फिर हम ऑटोमेशन लगा दे, पानी का प्रॉब्लम ही खत्म। अब इस वाले सेक्शन में हम लगाएंगे सबसे पहले तो, ओहो तो एक और नई चीज आई है, तो ये है पोटैटो। मतलब नई चीज तो नहीं है, पुरानी है, मगर इस वाले सीजन में अब हम पोटैटो भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पोटैटो बनने के लिए ना ज्यादा देर लगती है, तो मैं ना दो लाइन के अंदर ना पोटैटो बनाता हूँ और वो दो सेक्शन के अंदर ना पीनट और हमारा सलाद बनाने के लिए रखेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो यहाँ पर तो मैंने पूरे पोटैटो लगा दिया हूँ। अब इस साइड में अगर देखोगे तो वैसे अंगूर भी है, अंगूर को ना हम अंगूर वाली जगह पर लगाएंगे। यहाँ पर ना पूरे के पूरे अंगूर ही लगा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा अभी फ्रूट हमारे अनलॉक हुए नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर पूरे के पूरे अंगूर लगा देता हूँ। वैसे अंगूर काफी ज्यादा महंगे, $50 लग रहे उसको बनने के लिए। और अबे यार ये गलती से ना मैंने तोड़ दिया हूँ, चलो कोई बात नहीं। इधर अंगूर लगा दिए, ये अंगूर तो बनते रहेंगे, इसको 5 घंटे लगेंगे अंगूर बनने के लिए। तो मैं काम करता हूँ इसको पानी दे देता हूँ पहले, ये अपना काम करते रहेंगे, जब तक उगते रहेंगे हम अपना काम करते रहेंगे। चलो इसका पानी का तो काम हो गया, वैसे मछली भी अब पकड़ने का ऑप्शन आ गया होगा, यस आ गया है। तो अब हम फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं, मतलब मछलियों को पकड़ के हम बेच सकते हैं इसके पैसे। ओहो इसके भी काफी बढ़िया हमको पैसे मिले। इस साइड में अब हम लगाएंगे बैंगन को ना, हम इस साइड में लगाएंगे, ये वाला सेक्शन जो है ना बैंगन का है, तो ये बैंगन को इधर लगाते हैं। बैंगन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है यार, $80 इसको लग रहा है, ये तो अंगूर से भी ज्यादा महंगे। चलो तो इधर पूरे के पूरे बैंगन आ गए। अब इस साइड में हम लगाएंगे पीनट्स, तो दो सेक्शन ना मैं पीनट्स के रख रहा हूँ और जो हमारा सलाद का सेक्शन है ना वो बस एक सिंगल रख रहा हूँ, क्योंकि सलाद के सेक्शन को ना मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है उसके दो दो सेक्शन बनाने की, क्योंकि सलाद ना काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, तो वो बढ़ेगा भी ना तो हम उसको इसी जगह पर ना वापस से तोड़ के वापस से उगा लेंगे, तो वो ज्यादा सही रहेगा। चलो तो इधर सलाद लगा दिया, बारी बारी ना सबको पानी देना। इधर के गाजर भी रेडी हो गए। और एक और चीज इसके अंदर, एक सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगी है कि अगर जैसा अभी ये बनने के लिए 20 घंटे बता रहा है और मैं गेम अगर बंद करके भी चला जाऊं ना, तो ये मतलब 20 घंटे तो भी काउंट करेगा, ये मतलब चालू रहेगा, टाइम रुकेगा नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कितनी भी देर के बाद में आऊं और फिर आके टाइम देखूं तो 20 घंटे ही लग रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं थोड़ी टाइम के बाद भी आया ना तो ये बन के रेडी हो जाएगा इसके टाइम में खुद कंप्लीट होके। तो सारे के सारे वेजिटेबल्स को हमने पानी दे दिया, वैसे इस साइड में पानी देता, वैसे हमारे ना ये सलाद को ना काफी ज्यादा पानी लगता है। बस मैं अभी पानी देके उधर गया नहीं तो इसको पानी वापस से लगा चालू हो गया। और ये बचा कुछ कैरेट ना इसको भी उठा लेते, ये वाला सेक्शन भी क्लियर करके ना नए लगा देंगे। हमारा हो चुका है क्वेस्ट कंप्लीट, अभी कैरेट हमको 20 और लगने वाले हैं, मतलब डिमांड और बढ़ के आई है हमारे पास। लेग हॉर्न चिकन चाहिए, लेग हॉर्न चिकन कहाँ से लाएंगे? एप्पल ट्री 10 एप्पल ट्री हमारे पास, एप्पल तो इधर काफी ज्यादा रेडी है, तो 10 एप्पल ट्री से मेरे को याद आया कि इधर से अभी जितने फ्रूट है ना हम पूरे के पूरे पहले तो फ्रूट यहाँ से कलेक्ट करते हैं, 9 है, तो थोड़ी देर के अंदर हमारे वेजिटेबल कलेक्ट कर ले तक ना एप्पल भी बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारे पास 9 झाड़े अभी तक, 7 हमने कलेक्ट कर लिए, 7 में से फ्रूट निकाल लिया है और ये 9 बस एक झाड़ और चाहिए जिसके अंदर ना एप्पल उग जाए तो फिर हम अपना काम करें। एक टारगेट हमारा एप्पल्स जो चाहिए थे, 10 एप्पल चाहिए थे, मतलब 10 झाड़ से एप्पल चाहिए थे, तो वो फिर एप्पल कंप्लीट हो जाएंगे। 20 कैरेट चाहिए, तो 20 कैरेट तो हमारे पास में है नहीं, तो हमको ना वापस उगाना ही पड़ेगा इसको। तो ये वाला सेक्शन देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यस 6 सेक्शन इधर, 6 और 6, 12 थोड़े से कैरेट हमने कलेक्ट किए, तो ऐसे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। चलो इधर का हो गया, ये बनता रहेगा, इसको पानी देना पड़ेगा, पानी देना ही हम भूल गए। चलो इसको पानी दे दिया, अभी इसको मैं पानी नहीं दे रहा, काफी ज्यादा मतलब पानी लग रहा है इसको, ये वैसे भी 2 मिनट के अंदर खुद ही रेडी हो जाएगा। और इधर मुर्गियों को हम खाना देना भूल गए थे, ये लो मुर्गियों $80 तुम पे खर्चा कर दिया, आराम से खाओ पियो, अंडा दो, मस्त रहो। तो बस आज के एपिसोड को इतना ही रखते, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नया आयो चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो ऐसे ही और मजेदार गेम प्लेस के लिए। और साथ ही साथ प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा और ये गेम कैसा लगा, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस और काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली है। इस एपिसोड के बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, वैसे भी इसके अंदर अभी रात हो गई है तो थोड़ा सा आराम करते हैं। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।